जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय माता रानी की ओम। ह्रीम बगला मुख स्तभ दुष्टान वाच मुखम पदम स्तंभ जिह्वा गील से हरिम स्वाहा। और मित्रों, के हाल चाल हैं आपके? सब सही जी, हम भी सही हैं, आनंद मंगल है, माता रानी की कृपा है। और बताइए भाई, बस बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने कहा है कि मनोज भैया कि आप पहले तो बैठ के वीडियो बनाया करते थे, अब लेट के क्यों बनाते हैं? तो देखिए, मैं इसमें एक बात बता दूं, पहले मैं काम करते हुए बीच में समय निकाल के बनाता था वीडियो, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या है, जब मेरा आराम का 10-15 मिनट 20 मिनट बैठने का टाइम होता है, लेटने का, तब मैं उसमें आराम से लेट करके वीडियो बनाता हूँ। तो इसमें मुझे भी परेशानी नहीं होती है और आपको भी टेंशन नहीं होती है, ये चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। और बताइए मित्रों, सब सही है जी? तो वही सब चीज़ें हैं मित्रों, तो इस तरह से बनाता हूँ फिर मैं वीडियो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और भाई, अब बढ़िया बढ़िया उनके वीडियो डालने पड़ेंगे महाविद्या के, और आपको भी मज़ा आएगा। किसी मित्र ने मुझसे पूछा था धूमावती के मंत्र के बारे में, तो धूमावती का जो उसने पूछा था सबसे खतरनाक मंत्र कौन सा है धूमावती का। तो मित्रों, सबसे खतरनाक मंत्र मैं आपको धूमावती का बता दे रहा हूँ, और बहुत तगड़ा मंत्र है वो। पहले उसका मैं विधान बताता हूँ धूमावती की साधना। पहली बात तो ये समझ लीजिए, तीन चार शक्तियाँ ऐसी हैं जिनकी साधना जान हथेली पर लेकर के, और या फिर जिनको प्राणों का मोह नहीं हो, उन्हीं को करनी चाहिए। धूमावती, तारा, छिन्नमस्ता, शमशान काली और एक बगलामुखी। इसमें शमशान काली दोनों रूप हैं, सौम्य भी आ सकती है और उग्र भी आ सकती है। बाकी तारा, छिन्नमस्ता और धूमावती, ये इनको आप सौम्य का तो सवाल ही मत रखिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें कई भेद हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों है, क्योंकि अधूरा ज्ञान विनाश का प्रतीक होता है, इसलिए मैं आपको सारा ही समझाऊंगा। तो इन तीनों की शक्तियों की जो वो है, जो बहुत मतलब कर्रा मामला है, लेकिन इसको तामसी भी साध सकता है और सात्विक भी साध सकता है। अब इसमें आता है एक जगह बगलामुखी, तो बगलामुखी को वही साध सकता है जिसको सही कर्म करने हैं। बगलामुखी को खतरनाक या उल्टे कर्म करने के लिए नहीं साध सकते आप। तो मैंने बगलामुखी इसीलिए पकड़ी, मैंने वो किया कि इनसे गलत काम नहीं हो सकता है। बस इतना एक इसका बहुत बड़ा इस महाविद्या का फ़ायदा बगलामुखी का, कि ये किसी भी व्यक्ति पर तुरंत पलट कर्म करती है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत बोलता भी है तो उसके लिए 100 गलत बोलने वाले तैयार हो कर देती है ये। जो अगर उसके सही या सीधे साधक को तो कोई कुछ बोलता तो उसके लिए 100 बोलने वाले तैयार कर देती है वो, मतलब पलटवार तुरंत करती है बगला। धूमावती और छिन्नमस्ता, तारा, इनका विधान कठिन है, इनकी साधना हर कोई नहीं बता सकता पूरी तरह से। यूँ नहीं बता सकता कि इनके साधना जानने के लिए आपको तंत्र के अंदर तक की गुप्त विद्याओं में जाना पड़ेगा। ये केवल ऊपरी नहीं है कि आपने किसी गुरु से, कम जानकार गुरु से ज्ञान ले लिया और उसको आप संसार में फैला रहे हो, बटमांट रहे हो, मतलब अधूरे ज्ञान को, वो इसमें तो ये हो ही नहीं सकता है। सारी शक्तियों को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसकी सबसे मूल शक्ति को पकड़िए। मूल शक्ति उसके मूल सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत उसके मूल शक्ति के मूल सिद्धांत क्या है, तो उसी के आधार पर आप आगे निकलेंगे। छोटा मोटा तो हर कोई बता देगा आपको कि ये कर लें आप ये हो जाएगा, ये कर लें आप ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है पूरे विधान में। महाविद्या इसीलिए ज़्यादा सार्थक है या इसीलिए ज़्यादा प्रभावशाली है कि ये पूरे तरीके से की जाती है। एक इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलता है, अगर किसी कोई गुरु है और उसको कोई महाविद्या सिद्ध है, वैसे तो ये बहुत कठिन काम है, अगर किसी को महाविद्या की कृपा कहना सबसे ज़्यादा सही रहता है, अगर किसी के ऊपर महाविद्या की कृपा है और एक भी महाविद्या की कृपा है उसके ऊपर, वो आपको सारी महाविद्या सिद्ध करा सकता है, आपको समझा सकता है, उनके ज्ञान दे सकता है, उनकी कृपा दिला सकता है, आपको प्राप्त करा सकता है। बीच में एक बात और कहना चाहूँगा मेरे मित्रों जो फॉरेन में मेरे चैनल को बहुत देख रहे हैं, तो मैं सबसे कहना चाहूँगा मित्रों, आप लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं फ़ोन नहीं उठाता, फॉरेन के मैं कॉल नहीं उठाता। देखिए, एक काम करिएगा, आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप पर,
जो मेरे फॉरेन में जो सैकड़ों लाखों व्यूअर और मेरी वेबसाइटों पर देख रहे हैं जो अलग अलग, तो उन सबको बता देना चाहता हूँ 9760986145 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको दोबारा सुन लीजिए 9760986145। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोगों के मुकाबले मुझसे फॉरेन फॉरेन से बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और आ भी रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और ऑल वर्ल्ड में जब जब मेरा जो व्यू हो रहा है चैनल, तो बहुत उसके लिए आभारी हूँ आप लोगों का प्यार का। तो ये मैंने व्हाट्सअप कर दिया सब फॉरेनर्स के लिए, आप इसमें मुझे कॉल कर सकते हैं और आपको बैक कॉल भी करूँगा मैं और बाकायदा वीडियो कॉल, ठीक है। तो अपने जो इंडिया वाले हैं उनके लिए तो नंबर दे ही रखा है मैंने, वो लगातार कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर तो मैं उठा लूँगा, लेकिन फॉरेनर्स का मैं नंबर कॉल पर नहीं उठाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बहुत फिर वो करना पड़ता है, माथा पच्ची करनी पड़ती है। तो इससे सीधा व्हाट्सअप में मैसेज करिए, मेरा मन आएगा तो मैं तुरंत आपको वीडियो कॉल या मुझे व्हाट्सअप कॉल कर दूंगा, ठीक है साहब जी। जय माता रानी की। तो मैं आपको एक बात बता दूं मित्रों, कि आप जो भी करते हैं, जो भी करते हैं पूजा पाठ वगैरह, तो जो भी आप बड़ी महाविद्या लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा उस महाविद्या का। नुकसान किस लिए नहीं होगा, माँ परीक्षा लेती है, माँ परीक्षा लेती है माँ, लेकिन साधक को कष्ट नहीं देती, नष्ट नहीं करती, ये माँ की खासियत है, माँ परीक्षा लेती है लेकिन साधक को कष्ट नहीं करती, नष्ट नहीं देती। अब धूमावती का जैसे कि लोगों ने पूछा था, तो मैं आपको सबको दोस्तों उसका विधान बता देता हूँ। धूमावती का जो विधान है वो बहुत सिंपल है, जितनी बड़ी खतरनाक महाविद्या होती है उनका विधान उतना ही सिंपल होता है। कुछ ना कीजिए आप, पहले गणेश जी का पूजन कीजिए, ठीक है, इनके भैरव नहीं होते तो विधवा हैं, विधवा रूप है धूमावती। अगर कोई किसी को कोई स्त्री बिखरे बाल वाली प्रचंड सफ़ेद साड़ी पहने हुए और खतरनाक अवस्था में खतरनाक दांत कटकटाती हुई, और देवी सेवा के दौरान अगर उसकी देवी की कोई सेवा चल रही है उसके दौरान अगर ऐसी स्त्री दिखती है, तो समझ लीजिए धूमावती का प्रभाव है 100 to 100%, वो धूमावती का प्रभाव है। और ऐसा कई बार हुआ है, और अमूमन मेरे साधकों के संग तो एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा हुई है, जैसे मैंने उनको बगलामुखी कराई है, अगर मैंने उनको बगलामुखी कराई है तो उनको धूमावती का कहीं ना कहीं लक्षण दिख गए, तो ये बड़ा मुझे भी बड़ा मज़ा और आश्चर्य आता है। मैंने कि चलिए कुछ तो है आज, तो भाई हमारे एक आध दो शिष्यों ने ऐसी वीडियोएँ भेजी हैं, ऐसे वो फोटो भेजे, तो हम भी चौंक गए भाई, शक्तियाँ सामने उपस्थित दिख रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए आप अच्छी तरह बढ़ रहे हैं आगे, मुझे भी अच्छा लगता है, और ये चीज़ सोच करके मुझे भी आनंद आता है कि चलिए विद्या थोड़ी तो सफल हो रहा हूँ मैं, अपनी जो मैंने सोच के चला हूँ, लक्ष्य बना के चला हूँ जीवन के लिए, उसमें मैं थोड़ा सफल हो रहा हूँ, तो बस ऐसा ही होता है। तो धूमावती का जो बहुत तेज उग्र मंत्र है, ओम धाम धीम धूम दुर्जटे धूमावती, ओम धाम धीम धूम दुर्जटे धूमावती, बस इतना ही बोलना है आपको, यही मंत्र है। इसमें न नमा लगाना है, न स्वा लगाना, न फट लगाना है, बस इतना ही बोलते जाना है आपको। और इसको अगर इसकी इसकी ताकत और इसकी चमत्कार देखना चाहते हो, तो इस मंत्र को 1.25 घंटे रोज करिए आप, आपको वो चीज़ महसूस हो जाएगी जो मैं आपको कराना चाहता हूँ। खबरदार, मैंने पहले ही कह दिया, इसको जीवन से ज़्यादा लगाव रखने वाले, जीवन की वासनाओं में उलझने वाले, जीवन में ज़्यादा मोह रखने वाले, वो बिल्कुल भी आजमाने की कोशिश ना करें, अन्यथा ऐसी दिक्कत पैदा हो जाएगी कि मैं भी नहीं संभाल पाऊँगा, जी पहले ही कह दे रहा हूँ। क्योंकि कई चीज़ें मैं करा चुका हूँ, तो मुझे इन चीज़ों के अनुभव हैं अच्छी तरह से, मैं साधक को पहले ही बता सकता हूँ। कोई यूँ कहता है ना कि मैं हर चीज़ पर रोक लगा दूंगा मैं अपने शिष्य की, लेकिन हम लोगों को मालूम भी होता है कि किस चीज़ तक पर रोक लग सकती है और किस पर नहीं लग सकती। हम हर शक्ति की ताकत और उसकी वो मत बता सकते हैं कैपेसिटी महाराज, और ये वही बता सकता है जो उन शक्तियों को या तो किया हुआ हो या कराया हुआ हो, तो वो सब चीज़ें मैं जानता हूँ। तो मैं पहले ही कह दिया कि इसलिए इसको अजमाने की कोशिश ना करें, वास्तव में आपको आपको अगर धूमावती की साधना करनी है, तो इस मंत्र का मैंने बताया आपको, गणेश जी का पूजन, फिर महाकाल का पूजन, ओम रोम महाकालेश्वराय नमः, महाकाल का पूजन, फिर जा करके आपको इस मंत्र का जाप करना है 1.25 घंटा, समझ रहे हैं आप।
सवा घंटा यानी कि आपकी बोलती बंद हो जाएगी 1.5 घंटे में। इसका एक बंधन और बता दूं आपको, ये घर में नहीं करना है आपको। अगर आप सोच रहे हो कि घर में बैठ के आराम से कर लेंगे, तो घर में नहीं करना। या तो किसी पेड़ के नीचे, या किसी नदी किनारे, या किसी देवी मंदिर में, या किसी शिवालय में, या फिर अगर अघोरी हैं आप साधना करने वाले, अघोर साधना करने वाले, तो शमशान में साक्षात दिखेगी देवी, साक्षात दिखेगी। बहुत से मेरे साधक हैं ऐसे बहुत हिम्मत वाले जो ऐसा करना चाहते हैं, तो उनके लिए बताया मैंने इसमें आपको क्या लेकर के जाना है। इसमें अगर शमशान की करने 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 जा रहे हैं तो बोतल लेके जानी है शराब की, ठीक है। इसमें मांस वासना मत लगाना गलती से भी। और शमशानी क्रिया के मतलब शमशान में करने वाले के लिए केवल मास्क बस शराब की बोतल है, उसको सकोरे में निकाल करके मार रखना है, फिर पाठ करना, बाकी कोई प्रसाद नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। काली धूप जलेगी, मोटा गुट्टा जलेगा काली धूप का। और अगर शमशान में केवल केवल शमशान के लिए बताया जी मैंने, बाकी अगर अलग करने वाले हैं तो बिल्कुल भी कुछ भी प्रसाद नहीं लगेगा, केवल सात बतासे दोने में रख करके प्रसाद लगाना है आपको। और सात बतासे नहीं है तो पंच मिठाई का प्रसाद लगेगा। नदी किनारे बैठे हैं तो वहाँ, जहाँ पर भी बैठे हैं तो वहाँ उस, और एक धूप बत्ती काली वाली जलेगी मोटी सॉफ्ट धूप बत्ती आती है जो, इसमें मेरे किसी प्रयोग में अगरबत्ती नहीं है ध्यान रखना, तो वो जलाइए। फिर देखिए चमत्कार, 1.25 घंटे बैठिए कड़ी लगा करके। माला का कोई बंधन नहीं है, माला आपको लेनी नहीं है, ठीक है ना, माला नहीं लेनी है आपको। चलिए ठीक है मित्रों, इसको करके देखिए, भगवती माँ हैं, दिखाएंगे आपको चमत्कार। महाविद्या बहुत कठिन है, महाविद्या जैसे बोलते हैं बहुत कठिन है, और ये रियलिटी है। लोग कहते हैं अरे ये तो माँ है, ये कष्ट क्यों देगी, क्यों? आप इतनी बड़ी शक्ति को अपने हस्तगत करने की, अपने काम के लिए इस्तेमाल करने की, या उसकी शक्ति को आजमाने की साधना क्या है? शक्ति को उसकी को जागृत करना, उसकी शक्ति को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करना, उसकी शक्ति को आजमाना, ये देखने की कोशिश करना कि उसमें कितनी शक्ति है, या अपने काम बनाने के लिए उस शक्ति का यूज, चलिए वो नहीं है क्या? तो ये शक्ति आजमाएगी नहीं आपको, जब इतना करेंगे तो आप जरूर आजमाएगी। हम अगर परीक्षा देते हैं तो साल भर परीक्षा देने के बाद लास्ट में हमारा एग्जाम आता है, तो हमको मास्टर आजमाता नहीं है, एग्जाम में हमारी परीक्षा नहीं ली जाती है, वो सब चीज़ें इसमें भी होती है भाई। हर चीज़ में कोई ना कोई वो विधान और नियम बना हुआ है। अगर हम तैराकी किसी प्रतियोगिता के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट में प्रतियोगिता एक परीक्षा है, लास्ट की जो स्टेज है लास्ट की वो परीक्षा है उस चीज़ की, तो वो सब चीज़ें होती है ना। अब ये देखिए कि हमारे जो पायलट थे अभिनंदन वर्तमान जो हमारे पायलट हैं इंडिया के, वो वापस आ रहे हैं आज, तो उनकी परीक्षा नहीं थी। उन्होंने इतने साल तक 2004 से वो चल रहे हैं इसमें हवाई उसमें, और लगातार उन्होंने सीखा। तो ये जो पाकिस्तान के विमान को F-16 को जो मार करके गिराया, और वो वहाँ पाकिस्तान में फंस गए, और वहाँ उन्होंने इतनी हिम्मत से काम लिया, और ये बहुत बड़ी बात है भाई, इसको मैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ उस मामले में। तो ये उनकी परीक्षा की घड़ी थी, यही एक परीक्षा की घड़ी होती है। आप विमान उड़ाना सीखना वो कोई मतलब वो नहीं है, अगर आप लगातार ट्रेनिंग लेंगे तो वो कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा की घड़ी ये आई कि वो दुश्मन के क्षेत्र में फंस गए, दुश्मन के उस क्षेत्र में जहाँ पर कि वो दुश्मन भी, वो ऐसा दुश्मन जिसका कि आपने बहुत बड़ा नुकसान करके चुके हैं आप। ये देखिए भाई, आपने उसके विमान को गिरा दिया है आपने, तो वहाँ फंसे हुए हैं आप, समझ लीजिए। तो वो सब चीज़ें हैं मित्रों, तो ये परीक्षा की घड़ियाँ होती हैं। आदमी को जीवन भर कार्य करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी उसकी परीक्षा की घड़ी आ जाती है, तब उसको परीक्षा देनी पड़ती है उस क्षेत्र में, यही होती है। चलिए करिए धुम 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 धुमासी धुमावती दूर जटे कोई टेंशन नहीं, मैं तो आपको थोड़ी सी जानकारियाँ देना चाहता हूँ, और टाइम मिलेगा शाम को एक लाइव दूंगा भाई। अगर आप सब रहे तो मैं देखिए शाम को, या तो मैं लाइव देने की कोशिश करूँगा रात को सही 10 बजे, 10 से 10:30 लाइव आऊँगा, ठीक है। लेकिन लाइव आऊँगा ना किसी न किसी विषय को लेकर के, विषय आपको लाइव देखते ही मालूम पड़ जाएगा तुरंत, क्योंकि उसमें आपको जो ऊपर जो लोगो होगा वो लाइव का बता देगा आपका, ठीक है विषय। चलिए मित्रों, जय माता रानी की, जय माँ भवानी, जय श्री राम।